नमस्कार दोस्त, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा 70 साल और उससे ऊपर के सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम अप्रूव की है, जो कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत शामिल की जाएगी। जैसे कि आपको मालूम है कि पहले भी इंश्योरेंस की स्कीम थी 5 लाख की, जो केवल बीपीएल फैमिली के लिए, जो बिलो पावर्टी लाइन से नीचे हैं उनके लिए ही थी, और उसके लिए जो क्राइटेरिया था राशन कार्ड में के द्वारा उसमें रजिस्ट्रेशन होता था और उसके बाद वो उसका जन आरोग्य कार्ड इशू किया जाता था। अब जो ये नई स्कीम इसमें ऐड की गई है, उसके फीचर पुरानी स्कीम जैसे ही हैं। उसमें बदलाव यही है कि 5 लाख का इंश्योरेंस सीनियर सिटीजन के लिए उपलब्ध होगा, जो 70 साल से ऊपर हैं। अब उसमें जो फैसिलिटी है वो पुरानी 5 लाख के स्कीम में जिन फैमिलीज में 70 साल से ऊपर का बुजुर्ग हैं उनके लिए 5 लाख एडिशनल दिया जाएगा और टोटल 10 लाख की लिमिट हो जाएगी। दोस्तों, इस योजना के बारे में हमने जब वीडियो प्रसारित किया तो उसके बाद काफ़ी सवाल हमारे व्यूअर्स कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल ये था कि इस स्कीम का कार्ड कैसे डाउनलोड किया जाएगा। तो दोस्तों, इस स्कीम का जो कार्ड डाउनलोड करने के लिए फैसिलिटी अभी पोर्टल में तैयार नहीं है, लेकिन जो पुराना सिस्टम है वही कंटिन्यू रहेगा। केवल अब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह है उसके लिए वेबसाइट को पूरी तरह से डेवलप किया जाएगा, और जो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है वो पुराना वाला ही होगा, जिसके की मुख्य स्टेप मैं अभी इसी वीडियो में आगे दे दूंगा। और साथ ही इसमें जो कवर की जाने वाली के खर्चे बीमारी के दौरान मरीज को इस योजना के अंतर्गत कवर किए जाएंगे, उसको भी मैं आगे स्टेप वाइज डिस्कस करूंगा। दूसरा इसमें प्रश्न ये आ रहा था कि क्या ये योजना क्रियान्वित की जाएगी या ऐसे ही सरकार की तरफ से घोषणा पत्र है। लेकिन दोस्तों, जब एक बारी कैबिनेट ने कोई भी योजना अप्रूव कर दी तो वो क्रियान्वित जल्दी से जल्दी हो जाएगी, क्योंकि वो सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। और इस मामले में जो आज की सरकार है वो जो भी कैबिनेट अप्रूव करेगा उसको तुरंत इम्प्लीमेंट करती है, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी जल्दी हो जाएगा। और तीसरा जो एक सवाल ये आ रहा था कि इसकी एलिजिबिलिटी के लिए क्या राशन कार्ड की जरूरत होगी। तो दोस्तों, ये योजना सारे बुजुर्गों के लिए है जो 70 साल की उम्र के हैं और उससे ऊपर हैं। तो इस योजना के अंतर्गत कोई इनकम क्राइटेरिया ना होने की वजह से इसमें राशन कार्ड की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आज की डेट में राशन कार्ड तो केवल बीपीएल फैमिलीज को ही इशू होते हैं। इसलिए इसमें जो अन्य लोग हैं उनके पास राशन कार्ड नहीं होता, तो राशन कार्ड की कंपल्सन इस योजना के अंतर्गत नहीं होगी। केवल इसमें आधार कार्ड से वेरिफिकेशन की जाएगी और आधार कार्ड ही इसका मूल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट होगा जो आइडेंटिटी वेरीफाई करेगा, और बाकी जो एड्रेस वेरिफिकेशन या पैन इत्यादि के भी उसमें कॉलम होंगे ताकि सभी तरह से वेरिफिकेशन हो जाए और जो रजिस्ट्रेशन कराने वाला है उसकी आइडेंटिटी प्रॉपरली इस्टेब्लिश्ड हो जाए। दोस्तों, इस योजना की पूरी मॉडलिटी अभी जल्दी ही आ जाएगी और ये जल्दी इम्प्लीमेंट हो जाएगी, तो तब तक इंतज़ार करें। इस वीडियो में मैं आगे आपको रजिस्ट्रेशन का क्या स्टेप्स रहेंगे उसके बारे में बताता हूँ, और साथ ही इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। हाउ टू अप्लाई फॉर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसमें स्टेप वन है, विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट https://abdm.gov.in। स्टेप टू है, एलिजिबल पर्सन शुड गेट योर आधार कार्ड और राशन कार्ड वेरीफाइड एट PMJAY kiosk। थर्ड स्टेप है, सबमिट फैमिली आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, और फोर्थ स्टेप है, गेट योर ई कार्ड प्रिंटेड विद यूनिक ABPM
JAY ID आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कवरेज। तो ये जो कार्ड आपका बन जाएगा, इसके बाद आपका 5 लाख का जो कवरेज है वो इस कार्ड के द्वारा मिल जाएगा। दोस्तों, जो 70 साल से ऊपर के जो योजना बनाई गई है, इसके लिए पोर्टल में अभी नेसेसरी चेंजेस होंगे और उसके बाद ही ये पोर्टल उपलब्ध होगा और इसके लिए सरकार अपने आप ही पर्याप्त घोषणाएं करती रहेगी, उसका विज्ञापन भी देती रहेगी, तो इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इसमें कौन कौन से एक्सपेंडिचर कवर होंगे? द स्कीम कवर्स ऑल एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू मेडिकल एग्जामिनेशन, ट्रीटमेंट एंड कंसल्टेशंस, प्री हॉस्पिटलाइजेशन केयर अप टू 3 days बिफोर एडमिशन, मेडिसिंस एंड मेडिकल कंज्यूमेबल, नॉन इंटेंसिव एंड इंटेंसिव केयर सर्विसेज, ICU केयर, डायग्नोस्टिक एंड लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस, मेडिकल इम्प्लांट इफ नेसेसरी, अकोमोडेशन एंड फूड सर्विसेज ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, कॉम्प्लिकेशंस अराइजिंग ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन फॉलो अप केयर अप टू 15 days आफ्टर डिस्चार्ज। इस तरह से 15 दिन बाद भी, डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद भी आपको पूरे एक्सपेंडिचर कवर हो जाएंगे इस योजना के तहत। और जो अभी जो 5 लाख की सीनियर सिटीजन्स के लिए इस योजना को एक्सटेंड किया गया है, तो उसमें भी ये एक्सपेंडिचर पूरे ही कवर होने की संभावना है, क्योंकि ये इसी योजना का एक्सटेंशन है। दोस्तों, इस प्रकार इस योजना का जो हेल्थ कार्ड है वो आप घर बैठे ही रजिस्टर करा सकते हैं और आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आपका जो पोर्टल, जो वेबसाइट है ABPM JAY की, उसी में सीधा रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो ये ज़्यादातर लोगों के डाउट थे कि क्या कहीं और जाकर के रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता था। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा, आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आया तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें, और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक से संबंधित, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में या इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के बारे में, साइबर अवेयरनेस के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब, नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।